तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में बताया था, और ये बताया था कि अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ के तहत कोई पार्टिकल मोशन कर रहा हो तो जो उसकी सेंट्रल ऑर्बिट होगी वो एक कोनिक सेक्शन होगा, यानी एलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला में से कोई होगा, और जो एप्स की पोजीशन होगी वो उसकी एक्सिस के ऊपर होगी। ये आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी देखते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ के तहत मोशन करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी। पहले एस्केप वेलोसिटी देख लेते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल ऑर्बिट अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको करते हैं। तो आपको बताया गया था कि कोई पार्टिकल अगर सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहा हो तो उसकी स्केप वेलोसिटी क्या होगी। वी नो इफ एफ इज द फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग on the particle, acting on the particle, then escape velocity at distance r from the center of force is given by this relation। ये हमने देखा था, ये सेंटर ऑफ फोर्स है, ये डिस्टेंस आर है, पार्टिकल यहां पर है और इसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन यानी फोर्स पर न्यूट मास एफ है। तो यहां पर इसकी जो स्केप वेलोसिटी होगी वो ये होगी। तो इफ force is inverse square force, then we have escape velocity is this, iska integral minus 1 by r, r infinite माइनस टाइम्स दिस आर इनफाइनाइट। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आएगी 2 म्यू बाय आर। दिस इज द स्केप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स मूविंग अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ।
ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा। तो इस वेलोसिटी से अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो वो सेंट्रल ऑर्बिट से एस्केप हो जाएगा, यानी इस वेलोसिटी से अगर इसको प्रोजेक्ट किया जाए तो ये एस्केप कर जाएगा इस ऑर्बिट से, यानी ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा। नाउ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर यूनिवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर फोर्स, इनवर्स स्क्वायर फोर्स। तो देखिए वेलोसिटी के लिए एक रिलेशन है, वी नो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल ऑर्बिट इज वी स्क्वायर इज एच स्क्वायर यू प्लस डी यू बाय डी थीटा स्क्वायर। दिस ये होता है, इसको हम यूज करेंगे। उससे पहले हमको ये वैल्यूज चाहिए ना, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ इज क्या होता है, इज दिस एल बाई आर। ये कॉनिक सेक्शन होता है, ये हम देख चुके हैं, इस तरह की इक्वेशन होती है। हेयर एल इज द सेमी लैटिस रेक्टम एंड इज गिवन बाय दिस रिलेशन। ये हो गया, हमें ये डेरिवेटिव चाहिए। तो इसको देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट ई साइन थीटा माइनस अल्फा, देयरफॉर डी यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा बाई एल स्क्वायर। अब नाउ यू स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये होगा यू इज 1 प्लस ई कॉस थीटा बाई एल स्क्वायर स्क्वायर। ये यहां से लिखा, यहां से यू की वैल्यू दिस बाई एल और ये वैल्यू ये है, तो वी हैव दिस प्लस e स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा बाई एल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है तो डिनोमिनेटर में तो एल स्क्वायर आएगा और न्यूमरेटर में ये मिलेगा, सॉरी यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा होगा, तो थीटा माइनस अल्फा प्लस टू ई कॉस थीटा माइनस अल्फा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा।
1 by L स्क्वायर और ये जो वैल्यू है क्या होगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यू गेट 1 प्लस E स्क्वायर 2E cos थीटा माइनस अल्फा वन प्लस ई स्क्वायर प्लस टू ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, यहां से रखिए ई कॉस थीटा माइनस अल्फा इज एल बाई आर माइनस वन, एल बाई आर माइनस वन। तो ये वैल्यू बनेगी ये, तो v स्क्वायर इज दस वेलोसिटी, v स्क्वायर इज किस रिलेशन का है, v स्क्वायर इज h स्क्वायर u स्क्वायर प्लस du बाय डी थीटा स्क्वायर, यहां वैल्यूज रख दीजिए, ये वैल्यू है 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस टू एल बाई आर माइनस वन, ये मिलेगा। और अब देखिए ये वैल्यू बनेगी इस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, एच स्क्वायर बाई एल इज म्यू, एच स्क्वायर बाई एल इज म्यू, तो ये हो गया म्यू बाई एल, एच स्क्वायर बाई एल इज म्यू, दिस इज म्यू बाई एल, और एल को अंदर ले लीजिए तो ये होगा 1 प्लस ई स्क्वायर बाई एल, और यहां पे आपको मिलेगा आपको टू बाई आर टू बाई एल, दिस इज म्यू 2 बाई आर, और ये एड होकर मिल जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 बाई एल। तो वी स्क्वायर इज दिस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल ऑर्बिट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स इज गिवन बाय दिस रिलेशन वेयर एल इज द semi-lateral system of the conic section in which the particle is moving and E is the eccentricity of the path. तो यह हो गया, अब आपको escape velocity और velocity में relation दे बताते हैं। escape velocity भी हमने देखा कि escape velocity जो है ये होती है किसी पॉइंट पर, तो 2 म्यू बाय आर इज स्क्वायर ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, तो दिस इज 2 म्यू बाय आर इज द स्क्वायर ऑफ द एस्केप वेलोसिटी म्यू बाय एल ई स्क्वायर माइनस 1, तो वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर इस दिस। अब देखिए अगर पार्टिकल की एस्केप वेलोसिटी किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की उससे कम है, या यूं कहें
कि अगर किसी पॉइंट पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव का मतलब है ये पॉजिटिव होगा, ये तो कांस्टेंट है दोनों म्यू और एल। ये पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन। तो अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ के तहत मूव कर रहा है, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, यानी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए, ऐसे समझ सकते हैं, तो ये रिलेशन ये बताता है कि यहां पर ई इज ग्रेटर देन वन मींस जो ऑर्बिट होगा, जो कोनिक सेक्शन होगा, वो हाइपरबोला होगा, एसेंट्रिसिटी एक से ज्यादा होगा। तो अगर पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए कि इसके वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, तो वो हाइपरबोलिक पाथ पे मूव करेगा। इसी तरीके से अगर प्रोजेक्शन की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर है तो ये जीरो होगा, इधर भी जीरो होगा, यानी ई वन के बराबर होगा, यानी कि जो पाथ होगा वो पैराबोला होगा, ई इज इक्वल टू वन। अगर वी वी ई से कम हो तो ई की वैल्यू एक से कम होगी, इसका मतलब जो ऑर्बिट है वो इलिप्स होगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर किसी पार्टिकल को इनवर्स स्क्वायर लॉ के तहत जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है उसके तहत मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है तो वो पैराबोलिक पाथ पे चला जाएगा। एस्केप वेलोसिटी के बराबर रहती है या हो जाती है तो पैराबोलिक पाथ पे चला जाएगा, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती है तो हाइपरबोलिक पाथ पे चला जाएगा। और अगर उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है तो वो इलिप्टिक पाथ पे मूव करेगा। तो ये रिजल्ट हमको यहां से दिखते हैं साफ साफ। तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि इफ वी is greater than V, it implies E is greater than 1, then central orbit will be hyperbola. If V is equal to VE, it means E is equal to 1, then central orbit will be parabola. If less than escape velocity, then central orbit will be ellipse. तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से सवाल बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा।